नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार मैं अभी आप सबको दो अपडेट दिया है भागलपुर से, जहां पर दोस्तों मैंने बताया है कि अब भागलपुर का लुक चेंज होने वाला है। साथ ही दोस्तों आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि भागलपुर में एक प्लेटफॉर्म संख्या और बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसका अपडेट मुझे आज ही मिला है। साथ ही दोस्तों बताया था कि बेखनपुर में 600 घर में नोटिस जारी किया गया था, जहां पर 10 दिन के उस लोगों को मोहलत दिया गया था। यदि 10 दिन में यदि वो लोग खुद से नहीं हटते हैं तो रेलवे जेसीबी के माध्यम से उसे उस जमीन से हटाया जाएगा। और दोस्तों यह जो इसकी जो लंबाई बनेगी वो पूरा हवाई अड्डा तक, यानी कि जो छोटी रेलवे है उससे लेकर पूरा हवाई अड्डा तक इस ट्रैक को बिछाया जाएगा, जहां पर अब भागलपुर में ट्रेन की संख्या बढ़ने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये चीज किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज यार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो बनेगा और एक प्लेटफॉर्म। साथ ही दोस्तों वॉशिंग पीट का भी विस्तार होगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ट्रेन की साफ सफाई की जाती है उसे भी विस्तार किया जाएगा, ताकि क्योंकि दोस्तों भागलपुर में ट्रेन का संख्या बढ़ने वाला है और इसी को देखते हुए इस चीज़ को किया जा रहा है कि बाद में यदि मतलब जब ट्रेन की संख्या बढ़े तो ट्रेन को रखने के लिए जगह कम ना पड़े। साथ ही दोस्तों उसके साफ सफाई के लिए जो जगह होता है उसकी भी कमी कभी ना हो। इसी को लेके अब भागलपुर में प्लेटफॉर्म संख्या एक और बढ़ाया जा रहा है, जिसका जमीन वगैरह सब कुछ देख लिया गया कि कहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को। बता दूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को पूरा भागलपुर चेंज दिखेगा, क्योंकि दोस्तों सारा जगह अब काम शुरू होने वाला है। जो भी अपडेट होगा वह सारा चीज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा। तो आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा भागलपुर से जितने भी लेटेस्ट अपडेट है रेलवे से वह सारा अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस और बात लेके दोस्तों, बीते दिन जो DRM विकास चौबे हैं इसकी तैयारी को लेकर बीते दिन DRM विकास चौबे ने भागलपुर रेलवे स्टेशन के SSEWI तकनीकी टीम व अन्य अधिकारी के साथ मालदा में एक मीटिंग हुआ, जहां पर भागलपुर के जो अधिकारी थे वह कई सारे प्रस्ताव को रखे। DRM विकास चौबे ने बताया कि इस बैठक में टोटल 3 घंटा लगा, यानी कि 3 घंटा तक इस बैठक में बात होती चली, जहां पर दोस्तों भागलपुर को विकास को लेकर कई सारे बातें हुई हैं। और बहुत जल्द मतलब कि भागलपुर का जो स्टेशन है उसका लुक चेंज होने वाला है। साथ ही दोस्तों अब आप लोगों को भागलपुर में बहुत कुछ देखने बदलाव, मैं आप सबको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलता रहेगा वैसे वैसे आप सबको भी मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। जैसे गए अभी मालदा में मीटिंग हुआ था, तो उसमें जो हुआ उसमें क्या बात हुई है, तो चलिए पहले उसको जान लेते हैं। वॉशिंग पीट के लाइन की संख्या बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ट्रेन का साफ सफाई किया जाता है वहाँ पर अब ट्रेन का जो ट्रैक है उसके साथ मतलब कि ज़्यादा ट्रेन का साफ सुथरा हो और उसे जल्द से फ्रेश करके प्लेटफॉर्म पर भेजा जाए। साथ ही दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाने के लिए भी चर्चा हुआ इस बैठक में। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि प्लेटफॉर्म संख्या जो 6 है उसे तोड़कर फिर से 9 निर्मित किया जाएगा। यानी कि साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेटफॉर्म संख्या जो 6 है उसे तोड़कर वहीं पर एक और रेलवे ट्रैक को बिछाने का प्लान चल रहा है, जहां पर अब टोटल 7 ट्रैक यानी कि भागलपुर में हो जाएंगे। उस जमीन का जो है नाप उप सब कुछ हो चुका है, बहुत जल्द वहां पर काम भी शुरू होगा। तो वह सारा चीज़ अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आने वाले समय में भागलपुर स्टेशन में बहुत सारा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। भागलपुर साहेबगंज क्यूल के भागलपुर साहेबगंज जो रूट है उस पर अब जो ट्रेन जो दौड़ेगी वह 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। भागलपुर मंदार रूट पे दोस्तों अभी तक उस ट्रैक पे 50 के स्पीड में ट्रेन चल रहा था, लेकिन दोस्तों अब कुछ दिन के बाद अब उसी ट्रैक पे 110 किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेन। दोस्तों को पिछले बात को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भीखमपुर है वहां पर एक न्यू यार्ड बनना है, जहां पर दोस्तों जो रेलवे का जो जमीन है वहां पर 600 ऐसे घर है जो अवैध हैं, यानी कि रेलवे के जमीन पर वह घर बना मतलब झोपड़ी लगा के वहाँ पे रहते हैं। और उन 600 घर को नोटिस दिया गया, जहाँ पर 10 दिन का उन लोगों को मोहलत दिया गया कि यदि 10 दिन में यदि आप लोग खाली नहीं करते हैं तो रेलवे जेसीबी के माध्यम से इस जगह को खाली किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि पूरा हवाई अड्डा तक पूरा इस ट्रैक को बिछाना है, जहाँ पर ट्रेन की संख्या बढ़ने वाली है भागलपुर स्टेशन में, इसको मद्देनजर रखते हुए यह चीज़ सारा चीज़ किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों स्टेशन का लुक भी काफ़ी चेंज होने वाला है, तो वह सारा अपडेट आप लोग को मेरे चैनल मिलेगा। तो दोस्तों आज के दोस्तों जो
साहेबगंज भागलपुर किउल का जो रूट है उस पर अब 130 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन चलेगी। साथ ही दोस्तों भागलपुर अंदार का जो रूट है उस पर अभी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलती थी, लेकिन दोस्तों अब वहां उस ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस अपडेट से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, क्योंकि गाइस इस चैनल में हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।